तो बेसिकली एडवांस एक्सेल की आज हमारी इस क्लास में हम बात करते हैं लॉजिकल फॉर्मूले की। तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड लॉजिकल फॉर्मूले की। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये चीजें ज्यादातर ऑफिस में काफी ज्यादा यूज होती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लॉजिकल मैथमेटिकल ऑपरेटर। अब मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया और यहाँ पे 30 टाइप किया। अब मैं 20 और 30 को यहाँ सम कर सकता हूँ, तो सम का फॉर्मूला लगाया, सम कर लिया। तो इस सम का फॉर्मूला क्या है, ये आपके एक्सेल के इनबिल्ट फीचर्स है, जो फॉर्मूलेज है। लेकिन इसको आप मैथमेटिकल ऑपरेटर से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। आप देख सकते हैं कि B2 प्लस C2 50 आ गया। तो ऐसे हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पावर। हम इनका यूज करके अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरह की कैलकुलेशन, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल आपके साथ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक प्रोडक्ट को बाय किया और फिर उसको सेल किया। तो मैंने 50 रुपीज में बाय किया, 55 में सेल किया, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स कहता है कि सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय। अब मैथमेटिक्स पे क्यों जा रहा हूं कि इससे इसके लिए एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्सेल में कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैथमेटिक का सहारा लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा इन द ब्रैकेट सेल माइनस बाय। अब ब्रैकेट क्यों लिया, क्योंकि तो बोर्ड मास मेथड इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, तो मोस्टली बच्चे बोलेंगे कि सर 2 होगा, 2 प्लस 2 4, 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 होगा। लेकिन एक्चुअल में जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। क्यों, क्योंकि बोर्ड मास कहता है फर्स्ट डिवाइड आफ्टर दैट प्लस। तो पहले 2 बाय 2 डिवाइड करके रिजल्ट 1 आएगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि तो हमें इन दोनों का रिजल्ट को डिवाइड करना है बाय से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके सामने आ गया। तो क्लियर है, आप लोगों को डाउट तो नहीं है इसमें। जी नहीं, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और एक और कैलकुलेशन की, जैसे कि प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, राइट। कि 50,000 का हमने एक लोन लिया, मैं इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 5% है और टाइम मान लीजिए 3 साल है, तो बेसिकली इसका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा कितना। तो हालांकि इसके लिए ऑलरेडी एक्सेल के अंदर में हमारे सामने एफ बी का फॉर्मूला है, बट प्रॉब्लम ये है कि एफ बी का फॉर्मूला की जो कैलकुलेशन है, मेरा जो कैलकुलेशन उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहता है कि अमाउंट इक्वल टू, अब आप लोग मत समझिए कि मैं यहाँ पे मैथ पढ़ाने बैठ गया। अब कुछ बच्चे लोग सोचने लगते हैं सर बड़ी मुश्किल से तो मैथ्स का पीछा छूटा है और फिर आप मैथ 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 कर रहे हैं आप। देख लीजिए, तो यहाँ पे आ गया टी मल्टीप्लाई बाई एन, मतलब कि यहाँ प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R डिवाइड बाई एन पावर ऑफ, हमने पावर ऑफ क्या डाला, टी मल्टीप्लाई बाई एन। अब एन क्या है इसमें, एन है हमारा 12, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन मंथली हो रहा है इसलिए, राइट।
इसको कैसे करें? अब प्रॉब्लम आती है सर, इतनी कैलकुलेशन करें कैसे यहाँ पे? देखिए, जब इस तरह की कैलकुलेशन आती है तो आपको करना है कैलकुलेशन टुकड़ों में, मतलब कि हमें कैलकुलेशन को तोड़ देना है और फिर उसको वन बाय वन करना है, और इसके बाद फिर आपस में जोड़ देना, तोड़ना है, करना है, फिर जोड़ना है, ठीक है? कैसे? देखिए, तो सबसे पहले मैंने ब्रैकेट में लिखा वन प्लस, अगेन ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, आर डिवाइड बाई 12, क्योंकि मंथली कैलकुलेशन इसलिए 12 कर दिया, तो हमने 20 का कैलकुलेशन तो कर लिया, रिजल्ट आ गया 1.001467। फिर यहाँ पे मैंने टाइम को, मतलब कि 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, फिर इन दोनों का निकाल दिया पावर, फिर जो रिजल्ट आया उसमें मल्टीप्लाई कर दिया किसको, 50,000 को, रिजल्ट आ गया 58,073। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इनको आपस में कंबाइन कैसे करें, क्योंकि मुझे सेल एक सेल पे रिपोर्ट चाहिए, तो हम इसको फॉर्मूला मर्जिंग मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें जब डबल क्लिक करते हैं तो ये दोनों फॉर्मूला से लिंक है, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसके यहाँ था B10, तो यहाँ हम B10 के ऊपर ब्रैकेट के अंदर में इसकी कैलकुलेशन पेस्ट कर देंगे, फिर यहाँ हमारे पास अगेन B9 का फॉर्मूला है, इसको लिया, और यहाँ C10 के अंदर में इसको हमने पेस्ट कर दिया, मतलब इन दोनों को मैं डिलीट करूंगा तो मेरा कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने इसको कॉपी किया और फिर वापस जहां हमारा D10 है उसके जगह पे इसको पेस्ट कर दिया, लेकिन ब्रैकेट में, मतलब मैं इसको भी डिलीट कर सकता। अब मैं इसको यहां से कट करूंगा और जहां रखना है वहां रख दीजिए। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि आप कॉपी मत कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कट कीजिएगा। कट करने का क्या फायदा होता है? कट करने का फायदा ये होता है कि आपका जो रेफरेंस है वो रेफरेंस चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। अब इसी तरह से आप बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे, इसलिए ये फास्ट्रैक बैच है तो उतना ज्यादा हम आपको एग्जाम्पल नहीं देंगे, फिर भी आप लोग कर लीजिएगा, ऐसे आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, उसमें कैलकुलेशन बहुत सारी होगी, तो कैलकुलेशन ट्राई करेंगे तो बेनिफिट रहेगा। अब अगला जो ऑप्शन हमारा आता है वो आता है लॉजिकल ऑपरेटर का। जी हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर। तो आपने इससे पहले वाले एग्जांपल में मैथमेटिकल ऑपरेटर को देखा, अब हम बात कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ नंबर्स यहाँ पे देते हैं। देखिए क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होते कितने तरह के हैं वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, वो था द लॉजिकल ऑपरेटर। मतलब मुझे चेक करना है कि कौन कौन नंबर ग्रेटर देन 50 है, इसलिए क्या करेंगे, जस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन का साइन देंगे, 50 दे के एंटर मारेंगे, रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा। ट्रू कब आएगा, जब कंडीशन फुलफिल होगा। जैसे हम इसको हम डबल क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, तो जहां जहां कंडीशन फुलफिल था वहां ट्रू या फॉल्स है। अब कुछ लोग जो एक्सेल जानते हैं थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा, वो लोग बोलेंगे सर इसके लिए तो हम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए इफ का फॉर्मूला हम एक कदर ही नहीं कह सकते हैं कि इफ का फॉर्मूला हम कंडीशन चेक करने के लिए 50 है या नहीं इसके लिए लगाते हैं। इफ का फॉर्मूला लगाया जाता है कि यहाँ जो हमने रिजल्ट दिया है B2 में, अगर B2 में अगर रिजल्ट ट्रू है तो मान लीजिए कि यहाँ पे ओके आ जाए, या जो भी लिखना चाहते हो वो आ जाए, या पेंडिंग आ जाए, ओके। तो अगर B2 ओके हुआ, B2 अगर ट्रू हुआ तो ओके देगा, अदरवाइज पेंडिंग देगा। लेकिन जनरली हम लोग जब लगाते हैं तो इसी के अंदर हम डायरेक्ट दे देते हैं इट्स ग्रेटर देन 50, और यहां पे देते हैं ओके, और यहां दे देते हैं पेंडिंग।
राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने यहां पे ये जो ऑपरेशंस किया है ये हमारा पार्ट ऑफ द इफ है, ये इंडिविजुअल है। हम यहाँ इफ में इसको कंबाइन किए, मतलब दो फॉर्मूले को यहाँ पे आपस में कंबाइन किए हैं। ओके, दो फॉर्मूले को आपस में हमने यहाँ पे क्या किया है, कंबाइन किया है। अब चलिए इफ, अब बात ही हो रही है तो इफ फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। इफ फॉर्मूला क्या करता है? तो बेसिकली इफ फॉर्मूला का काम सिंपल सा होता है, ट्रू फॉल्स को आपस में करना। तो क्या क्या कर सकते हैं इफ के मदद से, चलिए इफ के एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे नेम लिखते हैं, नेम में हमने मान लीजिए कुछ लिस्ट ऑफ नेम मैंने ड्रैग कर दिया यहाँ से, और काफी ज्यादा ड्रैग हो गया तो कम कर देते हैं। और फिर इस नाम को मैं शॉर्ट कर देता हूँ, शॉर्ट थोड़ा सा जरूरी है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट करने से फायदा ये हुआ कि सारे नाम जो रिपीटेड थे वो एक जगह पे आ गया। अब मुझे क्या करना है कि जो नाम डबल डबल आया है उसके सामने डी लिखना है, लेकिन पहले वालों को यू कर देना है, बाकी सबको डी कर देना है, ताकि हम यूनिक एक नाम छांट सके। हालांकि इसका तरीका और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं फिलहाल इफ का एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे डाला है। तो अब बात करते हैं इफ फॉर्मूला। देखिए इफ ही नहीं, कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल या प्लस प्रेस करना चाहे होता है। यहां से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम इक्वल करते हैं, होता तो माइनस से भी है बट माइनस से करने पर रिजल्ट चेंज हो जाता है, इसलिए हम इक्वल से फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। चाहे फॉर्मूला हो या कैलकुलेशन हो, हम स्टार्ट करते हैं इक्वल से। इक्वल से स्टार्ट करने के बाद जो कोई फॉर्मूला आप लिखते हैं तो उस लेटर, कोई भी फॉर्मूला का लेटर लिखते हैं तो उस लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे फॉर्मूले का लिस्ट नीचे दिख जाता है। अब अपने कीबोर्ड के एरो की से इसको ऊपर नीचे करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड का टैब की प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। दूसरी चीज, जैसे ही फॉर्मूला को सेलेक्ट करते हैं फॉर्मूले का डेफिनेशन यहाँ पे दिख जाता है। और जैसे मैं यहाँ पे ये यह आपके सामने दिख गया इफ फॉर्मूला। अब जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं लेकिन मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं एफएक्स पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे खुल जाएगा, जहां पे फॉर्मूले की डिटेल में नॉलेज मिलेगी। साथ में हेल्प फ्रॉम दिस फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का हेल्प खुलेगा, जहाँ इफ फंक्शन में जिस फंक्शन पे क्लिक किया है उस फंक्शन से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल हम इफ फॉर्मूला यहाँ लगा रहे हैं। अब इसी फॉर्मूला को भी फॉर्मूला लगाते हैं तो नीचे जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं साइन टेक्स्ट, या आम भाषा में बोल सकते हैं इनपुट्स, इनपुट्स है। तो जो यहाँ लॉजिकल टेस्ट आप देख रहे हैं और यहाँ पे वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स, मतलब कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है इसका मतलब है कि वो ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल है, मतलब कि उस पे हमारा इनपुट देना जरूरी है, मतलब कि मैं लॉजिकल टेस्ट दिए बगैर बाहर नहीं आ सकता, बाहर नहीं आ पा रहा। अगर मैं लॉजिकल टेस्ट दे देता हूं और यहाँ पे इक्वल टू मैं कर दिया तो मैं कॉमा देके आसानी से बाहर आ सकता हूँ। ये वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स देना जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में है और स्क्वायर ब्रैकेट में होने से क्या हुआ कि ये रिक्वायर्ड नहीं हुआ, ऑप्शनल। डालिए तो ठीक है कि उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, नहीं डालिए तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। और ये नियम जो है सिर्फ इफी फॉर्मूला नहीं, चाहे आप वी लुकअप लगा रहे हैं, चाहे आप एच लुकअप लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, सब में ये आपको सेम आएगा। अब चलिए हम अपने वी लुकअप के टॉपिक, इस पे इफ के टॉपिक पे रिटर्न आते हैं। तो यहाँ हम इफ का कंडीशन लगाते हैं कि अगर सामने वाली वैल्यू इक्वल है अपने ऊपर वाली वैल्यू से, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे देते डी। अब मुझे डी जो है करेक्टर है इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना पड़ेगा। आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, अगर वो फॉर्मूले के अंदर आप कोई करेक्टर, कोई टेक्स्ट वगैरह अगर आप इंसर्ट करते हैं तो इसका ध्यान रखिएगा कि वो आना चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है? माफ कीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अदरवाइज यू है।
अब इसको नीचे ड्रैग करते हैं। अब मैंने यहाँ पे ए टू और ए वन ले रखा है, और जाहिर सी बात है जब हम नीचे ड्रैग करते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं तो रेफरेंस चेंज होता है, ए टू जो है ए थ्री हो जाएगा। हाँ देखिए ए टू ए थ्री हो गया, ए वन ए टू हो गया। अब ये दोनों आपस में बराबर है इसलिए इसने टी को शो कर दिया। ये ऊपर में नेम और अजीत को सर्च कर रहा था जो कि बराबर नहीं है इसलिए यू दे रहा था। अब इसको नीचे के तरफ आप डबल क्लिक कर दीजिए, हमें करके ड्रैग कर दीजिए या फिर नॉर्मल भी ड्रैग कर सकते हैं। तो ऐसा करने पे क्या हुआ कि यहाँ आप देख सकते हैं कि अजीत और देव दोनों आपस में बराबर नहीं है इसलिए यहाँ पे आ गया यू, अदरवाइज सब में डी आएगा। समझे? चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझाते हैं आपको। अब इसमें एक और एग्जांपल ये देते हैं कि मुझे इसमें डी और ए नहीं करना, इसमें मुझे 1 2 3 4 इस तरह का सीक्वेंस नंबर देना है। वो तो सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ लगाऊंगा फॉर्मूला कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर बराबर है अपने ऊपर वाली वैल्यू से तो सीक्वेंस 1 से स्टार्ट कर दो, अदरवाइज अपने वाले अपने ऊपर वाले में प्लस 1 कर दो। अगर ए टू बराबर है ए वन तो यहाँ 1 दे दो, अदरवाइज बी वन प्लस 1 कर दो। अब यहाँ नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं तो आप देख सकते हैं बी वन प्लस 1 हमने उल्टा कंडीशन दे दिया। मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, हमें क्या करना था, हमें करना था कि अगर सामने वाली वैल्यू बराबर है ऊपर वाली वैल्यू से तो ऊपर वाली वैल्यू में प्लस 1 हो, अदरवाइज 1 से शुरू करें। अब एंटर प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए तो देखिए सिक्वेंस जनरेट होगा 1 2 3 4 5, जैसे खत्म हुआ देव आया फिर अगेन 1 से शुरू हो। सीरियल नंबर की बात चल रही है तो मान लीजिए कि मैं एक डेटा एंट्री कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं एक डेटा एंट्री कर रहा हूँ जिसमें सीरियल नंबर है, नेम है, रोल यहाँ पे एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, सिटी है और भी डिटेल बहुत सारे हो सकते हैं, इसका ध्यान रखते हैं। तो मैं डेटा एंट्री करते समय क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ 1, मैं लिखता हूँ पूजा, एड्रेस देता हूँ और यहाँ पे मोबाइल नंबर देता हूँ। अब प्रॉब्लम ये आती है कि फिर मुझे वापस 2 देना होता है। अब सीक्वेंस नंबर 1 2 3 है, सिंपल नंबर लैंग्वेज में है तो इसका यूज हम कर रहे हैं, लेकिन नंबर ज़्यादा हुआ 10-20 हज़ार का हुआ तो उसमें गलती हो सकती है ना जोड़ने घटाने में, तो मैं चाहता हूँ सिक्वेंस अपने आप आ जाए। इसके लिए भी हम यहाँ इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, हमने क्या बोला कि बी थ्री इज ग्रेटर देन 0 तो क्या हो। अब 0 क्यों दिया, क्योंकि एक्सेल में जो ब्लैंक सेल होता है वो बाय डिफॉल्ट 0 होता है। तो अगर बी थ्री इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब है कि ब्लैंक है, तो ब्लैंक नहीं है मतलब ब्लैंक से बड़ा है, तो अपनी ऊपर वाली वैल्यू में प्लस 1 कर दे, अदरवाइज ब्लैंक कर दे। तो ब्लैंक के लिए मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं करना, ब्लैंक शो कर देना है, तो उसके लिए हमने इन्वर्टेड कॉमा को ओपन किया एंड क्लोज कर दिया। एंटर प्रेस करके एक संभावित लोकेशन जहां तक आप डेटा एंट्री करेंगे वहां पर आप कॉपी पेस्ट कर दे। अब मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ मोहन, एंटर मारते देखिए सिक्वेंस ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, इंदर, उदय, कविता, ज्योति, इस तरह से। अब यहां पे अगला कंडीशंस आ रहे हैं, अभी तो नॉर्मल इफ देख ली, अब चलिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल्स ले रखा है, अब सेल्स में हमने बहुत सारे सेल्स वगैरह एंट्री कर दिए हैं, अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर इंसेंटिव देना है, और इंसेंटिव का रोल कहता है कि 50 to 80 अगर सेल हुआ तो आपको 500 का देंगे, अदरवाइज 0 देंगे। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इफ लगा नहीं सकता, क्योंकि एक इफ के अंदर हम एक ही लॉजिकल ऑपरेटर मतलब कि ट्रू फॉल्स वगैरह दे सकते हैं, जितने कंडीशन उतने इफ। तो यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला एंड का लगा सकते हैं, एंड
फॉर्मूला क्या करता है कि इसमें मोर देन वन कंडीशन को कंसिडर करता है, जैसे ए टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और अगेन मैंने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि लेस देन इक्वल टू 80। अब जो है ए टू अगर 50 और 80 के बीच में हुआ तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा अगर दोनों, क्योंकि एंड का कहना है कि मेरे सारे कंडीशन अगर फुलफिल हुए तो हम यहाँ पे कंडीशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अब यहाँ हम कर देते हैं, अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे तो चाहिए 500, तो 500 के लिए हमने क्या किया, इस ट्रू फॉल्स को 500 में कन्वर्ट करना है और जीरो में, तो जाहिर सी बात है इसके लिए इफ लगाएंगे। तो एंड को हम इफ के टू पार्ट, मतलब इसमें लॉजिकल टेस्ट वाले पार्ट में डाल देंगे और ट्रू पार्ट में 500 एंड फॉल्स पार्ट में जीरो कर देंगे। अब एंटर प्रेस कीजिए और देखिए जहां जहां कंडीशन मैच हुआ आपको वहां पे 500 मिलेगा, जहां पे नहीं हुआ वहां पे जीरो मिलेगा। अब चलिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको, थोड़ा समझा नहीं जी जी, हेलो क्या समझा नहीं इसमें, ये थोड़ा सा टफ गया, समझा नहीं। देखिए सिंपल सी बात समझ लीजिए, जब आपके पास दो कंडीशन, जैसे 50 टू 80 हुआ मतलब कि ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80 हुआ, राइट। अब दो कंडीशन नहीं लगा सकते, एक इफ एक कंडीशन को कैरी करता है, बात समझ में आ गई। हम दो कंडीशन बट दोनों रिक्वायर है कि 50 से बड़ा और 80 से छोटा होना चाहिए, 50 से बड़ा अगर है तो 80 से छोटा होना चाहिए, अगर 80 से छोटा है तो 50 से भी बड़ा होना चाहिए, दोनों चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ लगाएंगे एंड का फॉर्मूला। तो एंड फॉर्मूला कहता है कि मेरे अंदर जितना मर्जी उतना लॉजिकल ऑपरेटर डाल दो। तो मैंने यहाँ पे लॉजिकल कैलकुलेशन में बोला कि ग्रेटर देन 50, पहला बोला कि 50 से ऊपर होना चाहिए, फिर अगेन सेलेक्ट करके बोला कि ए 50 से नीचे होना चाहिए, अगर सॉरी 80 माफ कीजिएगा 80 से नीचे होना चाहिए। अब दोनों फुलफिल हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू एंड फॉल्स। इसका काम क्या है सर, हमने आप इसके बारे में क्या बताया, आप हमने बोला कि इसका काम है लॉजिकल टेस्ट को, हमने क्या बोला, इसका काम है ट्रू फॉल्स को कन्वर्ट करना अपना रिजल्ट। तो एंड ने क्या दिया, एंड ने दिया ट्रू और फॉल्स, बट मुझे ट्रू के जगह पे क्या चाहिए, ट्रू के जगह पे चाहिए, सॉरी ट्रू के जगह पे चाहिए 500 और फॉल्स के जगह पे चाहिए जीरो। तो हम यहाँ पे इसके आगे इफ लगा देंगे कि इफ और बाद में जाएंगे कॉमा और हम कर देंगे 500 अगेन कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज और एंटर, समझे आप। ओके अब चलिए एक और एग्जांपल देते हैं तो आप समझ जाएंगे कि एंड का यूज क्या होता है। जैसे मेरे पास एक रिजल्ट शीट है, एक मान लीजिए कि आप एक स्कूल रन करते हैं और आपके पास बच्चों का एक रिजल्ट शीट आया है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग। तो चार सब्जेक्ट फिलहाल मैं रखता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा रखूँगा तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो चार सब्जेक्ट का रिजल्ट यहाँ आया हुआ है और मैं सैम्पल रिजल्ट के लिए रैन बिटवीन का फॉर्मूला यूज कर देता हूँ ताकि रैंडम नंबर लाने के लिए, कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे पेस्ट वैल्यू कर दिया ताकि फॉर्मूला रिमूव हो जाए। अब मुझे यहाँ पे देना है रिजल्ट। अब रिजल्ट में कहना है कि भाई सारे अगर सब्जेक्ट में 30 से ऊपर अगर है तभी पास आएगा, अदरवाइज फेल होगा। क्या है, सारे सब्जेक्ट में 30 से ऊपर होना चाहिए। तो मैंने लगाया फॉर्मूला एंड का, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन में इफ तो काम करेगा नहीं, तो हमने लगाया एंड का। अब यहाँ पे बोला कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, फिर हमने दूसरे सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और अगेन बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, फिर हमने तीसरे सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, फिर हमने चौथे सब्जेक्ट को क्लिक किया और बोला क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ एंटर प्रेस कर देंगे। और सर ये लेस देन हो गया, माफ कीजिएगा सर लेस देन हो गया, क्या है आज रात, आज हो क्या रहा है, मुझे गलती क्यों कर रहा हूं मैं। ओके तो हमने यहाँ पे 30 कर दिया। अब एंटर मारे तो
अगर किसी सारे सब्जेक्ट 30 से ऊपर है तो टिक, यहाँ पे 30 से ऊपर सारे सब्जेक्ट रवि के हैं तो ट्रू आया। अब इसमें देखिए ए नहीं है, फॉल्स आया। अब इसमें ए देखिए, ये दो सब्जेक्ट नहीं है तो फॉल्स आया। ये देखिए इसमें एक सब्जेक्ट नहीं है तो फॉल्स आया। अगर एक सब्जेक्ट को यहाँ मान लें 64 कर देता हूँ तो देखिए ट्रू आ जाएगा। तो एंड का काम होता है उसके दी गई कंडीशंस को चेक करना, वन बाय वन सारे लॉग कंडीशंस को चेक करता है। अगर सारा कंडीशन फुलफिल हुआ तो क्या करेगा, रिजल्ट आएगा। मतलब कि अब इसको एवेलेट करके चेक कर सकते हैं कि आपका एंड वर्क कैसे कर रहा है। देखिए यहाँ पे तो ये आ गया, ये ट्रू आया, ये चेक किया अगेन ट्रू आया। यहाँ देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ अगेन चेक किया ट्रू और ट्रू। तो एंड बोलता है कि मुझे सारे ट्रू चाहिए, अगर सारे ट्रू है तो मैं ट्रू दूंगा, कोई एक फॉल्स है तो मैं फॉल्स दूंगा। तो ये देखिए इसने फॉल्स दे दिया, बट मुझे ट्रू फॉल्स तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो पास और फेल चाहिए। तो ट्रू फॉल्स को कन्वर्ट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला के अंदर एंड डाल दिया, एंड अगर ट्रू आएगा तो इफ का ट्रू पार्ट मतलब कि पास दिखाएगा, अगर फॉल्स आया तो इफ का फॉल्स पार्ट लेकिन फेल आएगा। जहाँ पे 10 सब्जेक्ट है, मान लीजिए जहाँ पे तो 10 सब्जेक्ट है लगाना क्योंकि पड़ेगा वहां आपको, पे भी 10 लगाना 10 बार ऐसा 10 लगाना पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा लेकिन उसका भी कंडीशंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम काउंट इफ लगा लेते हैं कि काउंट इफ इसको सेलेक्ट कर लिया और बोला कि इसमें ग्रेटर देन 30 क्या है, ग्रेटर देन 30 आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि अब 3 आया, अब यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि काउंट इफ का रिजल्ट इक्वल टू 4 है तो पास तो भाई फेल। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ काउंट इफ फॉर्मूला लगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आया कि सबको 30 ले लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 200 नंबर का पेपर होता है, कोई 50 नंबर का पेपर होता है, तो यहाँ पे आप अलग अलग सब्जेक्ट को डाल सकते हैं, राइट, अलग अलग सब्जेक्ट को डाल सकते हैं। तो ये थी हमारी एंड। अब एंड की जैसा हमारे पास अगला एग्जाम्पल है और का। अब और को समझिए, एंड और दोनों अपोजिट होता है, राइट। जैसे मेरे पास यहां पे डेज है, बिग डेज है, मतलब सैटरडे संडे, हमने यहाँ पे मैंने मंडे सैटरडे संडे मंडे वगैरह हमने डाल दिया यहाँ पे, और इसको ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा कंडीशन है कि सैटरडे संडे हुआ तो आना चाहिए ऑफ, ना ऑफिस क्या है, ऑफ है। और मंडे टू फ्राइडे में क्या आना चाहिए ओपन। तो यहां मुझे स्टेटस का कॉलन लगाना है। अब दो कंडीशन, इफ तो लगाएगा नहीं, अब और यहां पे एंड लगा नहीं सकते क्योंकि सैटरडे एंड संडे दोनों में से कोई एक ही होगा ना, दोनों थोड़ी हो सकता है सर। तो यहां पे लगाएंगे और, और बिल्कुल एंड की अपोजिट है कि अगर उसको एक भी कंडीशन मिल जाता है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो हमने इसको अगेन सेलेक्ट किया और बोला कि क्या संडे है, तो दो कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दिया। हमने बोला कि ए टू इज अगर सैटरडे है और ए टू इज संडे है, अगर दोनों सैटरडे संडे हुआ तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहां हम जो है इफ कंडीशन लगाएंगे और इफ कंडीशंस की मदद से यहां पे हम कर देंगे ऑफ यहां पे ओपन, ठीक है, एंटर प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग कर, बिल्कुल एंड की तरफ। अब चलिए इसमें थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। हम सेम जो है एक एक बैंक, एक एचआर का एक चेकलिस्ट है भाई, किस किस ने अपना आईडी प्रूफ जमा किया है नहीं किया है, राइट। तो आईडी प्रूफ में वो मांग रहे कि पैन, वोटर, पासपोर्ट, डीएल और यूआईडी। अब यहाँ पे स्टेटस शो करना है। अब बात यह है कि जब आप कंपनी में जाते हैं तो अब क्या बोलते हैं, कोई
कोई एक ही चलेगा, पेन दे दीजिए, वोटर दे दीजिए, पासपोर्ट दे दीजिए, आईडी प्रूफ में तो कोई एक भी दे सकते हैं ना। तो बंदे ने यहाँ पे वाई लगाया, अब जोड़ी नहीं कोई एक दे, एक से ज्यादा भी कोई दे सकता है और कोई नहीं भी दे सकता है। तो मुझे यहाँ पे स्टेटस में ओके और पेंडिंग शो करना है अगर किसी ने आईडी प्रूफ जमा नहीं किया है। तो यहाँ भी लगाएंगे और फॉर्मूला, तो हम पैन को सिलेक्ट किए इक्वल टू वाई, अगेन कॉमा, वोटर को सिलेक्ट किए इक्वल टू वाई, हम पासपोर्ट को सिलेक्ट किए इक्वल टू वाई, हम डीएल को सिलेक्ट किए इक्वल टू वाई, फिर हम यूआईडी को सिलेक्ट किए इक्वल टू वाई, और वाई को इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे। अब यहाँ पे बड़े लेटर में है, फॉर्मूला के अंदर छोटे लेटर में डाला, इसी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका एक्सेल केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो नीचे की तरफ ड्रैग कर दिए, जिसमें नहीं था उसमें आ गया फॉल्स, जिसमें था उसमें आ गया ट्रू। अब इसको इफ फॉर्मूले की मदद से ओके पेंडिंग में कन्वर्ट कर दीजिए, ओके पेंडिंग सिंपल, और नीचे तक ट्रैक कर राइट। लेकिन इसमें तो बहुत सारे बंदा ने पासपोर्ट डीएल यूआईडी तो जमा नहीं किया, फिर भी ये ओके क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने एक जमा किया इसलिए। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि आईडी प्रूफ सब कुछ जमा करता है, आईडी प्रूफ देना है, तो पैन कार्ड हो गया, आईडी प्रूफ पूरा हो गया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे कोई आईडी प्रूफ मांगेगा तो क्या कीजिएगा? ये लो पेन, ये लो वोटर, ये लो पासपोर्ट, ये लो डीएल, ये लो आधार कार्ड, ऐसे तो ही बोलेंगे, कोई एक दिखा देंगे ना। ऐसा होता है क्या? मतलब भाई कभी कभी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में मांगता है, कभी एड्रेस प्रूफ मांगता है, तो अलग अलग देना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको करने वाला हूँ वही सेम एग्जाम्पल, मुझे पता था कि इस क्वेश्चन आप पूछेंगे, तो अगले एग्जाम्पल वही है। अभी थोड़ी देर में मेरा जूम क्लोज हो जाएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, रीज्वाइन कर लीजिएगा। अब मेरे पास अगला एग्जांपल, एक बार रीज्वाइन कीजिए प्लीज। Recording in progress. यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे मेरा ये आ रहा है कि मुझे पैन तो चाहिए, मैं बैंक का डेटा हो गया। अब बैंक क्या कहता है? बैंक कहता है कि भाई पैन नंबर तो चाहिए ही चाहिए, पैन नंबर तो चाहिए ही चाहिए, पैन के अलावा आपको जो है एक लेटर और चाहिए, ठीक है, पैन के अलावा कोई एक और डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसको कैसे करें कि पैन नंबर तो चाहिए, इसके अलावा पासपोर्ट दे दीजिए, वोटर आई कर दीजिए, डीएल दे दीजिए, दो आपको देना होगा। तो यहां हम एंड और दोनों को मिक्स करेंगे। अब जो कंपल्सरी है, मुझे पैन चाहिए ही चाहिए, तो उसको हम पैन के अंदर में दे दिए। अब दो है तो फिर दो और लगेगा, फिर और फिर यहां पे और दे दिए, और हमने इसको सेलेक्ट करके बोला अगर ए इक्वल टू वाई है कॉमा, फिर इसको सेलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई है, फिर इसको सेलेक्ट किया दैट इज वाई है, फिर इसको सेलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई है, और फिर इसको एंटर प्रेस कर दिया, तो रिजल्ट ट्रू आया। अब कैसे वर्क कर रहा है, तो फॉर्मूला मेनू बार में जाते हैं, अपडेट फॉर्मूला करते हैं, अब इस पर क्लिक करते हैं, तो देखिए वाई इक्वल टू वाई ट्रू आ गया। अब यहाँ पे और चला, अब और का काम क्या है कि उसको एक भी ट्रू मिलेगा तो क्या देगा, ट्रू देगा। तो और को मिला है तीन फॉल्स एक ट्रू,
और हमेशा ट्रू पे देगा, तो ट्रू किसको देगा, एंड को देगा, क्योंकि और एंड के अंदर में, एंड को फाइनली दो ट्रू मिला, तो इसको कोई फॉल्स मिला ही नहीं, इसलिए रिजल्ट आएगा ट्रू। समझे, क्लियर है? अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा। सर एक तो ज्यादा कंडीशन रहेगा तभी लगाएंगे। हाँ वही चीज अब बताने वाले हैं। अब बात करते हैं नेस्टेड इफ की। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया यहाँ पे, अब यहाँ पे जो एग्जांपल बताया था आपको कि हमने इसके लिए एन लगा दिया, एन कब लगाए कि मल्टीपल रिजल्ट पर, मल्टीपल कंडीशन पर सिंगल रिजल्ट। अब यहाँ पे कंडीशन बढ़ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि अगर ग्रेटर देन 50 है, नहीं 50 टू 80 अगर है तो 500 तो देना ही देना है, लेकिन अगर लेस देन 50 है तो उसको 100 देना है, ग्रेटर देन 80 है उसको 200 देना है, तब मेरा ये एंड काम नहीं करेगा, क्योंकि एंड का काम होता है मल्टीपल रिजल्ट पर सिंगल, क्योंकि सारे कंडीशन चेक एक ही ट्रू देगा ना, यहाँ तो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग चीजें देनी है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ। तो हमने यहाँ पे एक इफ लगाया और बोला कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, हमने क्या बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, अगर ऐसा होता है तो एक और इफ चेक करें, एक और इफ चले और एक और इफ लगाया कि क्या ए लेस देन इक्वल टू 80 है, अगर ऐसा होता है तो यहां 500 दे, नहीं तो 200। अब 200 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर देन 50 होगा तभी ये दूसरे इफ में आएगा, तो 50 से अगर इसका, अगर इसके फॉल्स पार्ट में जा रहा है, मतलब कि ए इफ बोल रहा है कि नहीं ग्रेटर देन 60 नहीं है, समझे? ठीक है। उसके बाद अब हर इफ के दो पार्ट होते हैं, एक ट्रू एंड फॉल्स, तो फॉल्स में मैंने यहाँ पे 100 दे दिया। अब इसको आसानी से समझिए क्या है, मैंने एक इफ लगाया जिसका ट्रू पार्ट मैंने ए दे दिया, ठीक है, और फॉल्स पार्ट मैंने दिया ए, सॉरी माफ कीजिएगा, एक इफ लगा, इफ का ए हो गया लॉजिक, ए हो गया लॉजिकल ऑपरेटर, मतलब कि हमने लॉजिकल लॉजिक दिया और इसका ट्रू पार्ट दिया, अगर करेक्ट हुआ तो ये दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो ये इसका अपना फॉल्स जो है एल्स जो है मतलब कि 100 शो कर देगा। फिर दूसरा इफ क्या करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो तीसरे, अगर यहाँ पे इफ है तो तीसरे इफ को, नहीं तो सीधे अपने फॉल्स पार्ट को शो करेगा, सिंपल। तो नेस्टेड इफ ये कहलाया जाता है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, इस तरह से लगाते हैं। लेकिन आप एक एक करके बढ़ाएं, एक ही साथ चौथा पांचवा ना करें, पहले दो इफ लगाएं, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, इस तरह से लगाएं तो बेटर रहेगा। अब चलिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब मैं थोड़ा सा ग्रेडिंग सिस्टम की बात कर लेता हूँ, यस ग्रेडिंग सिस्टम की। जैसे कि अगर मान लीजिए ए है हमारा मार्क्स, मार्क्स में अब मैं बोलता हूँ कि अगर 0 to 40 है, 0 to 40 है तो ये आना चाहिए ए सी ग्रेड। अब ये 41 to 60 है तो आना चाहिए बी ग्रेड, और 61 to अगर 90 है तो आना चाहिए ए ग्रेड, सॉरी ए वन में ए ग्रेड, और ग्रेटर देन 90 है तो आना चाहिए ए प्लस। अब ये कैसे लगा, तो जैसे यहां पे देख पा रहे हैं कि 0 से लेके 90 तक का हर वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ है, तो नेस्टेड इफ तो लगाएंगे लेकिन फॉल्स पार्ट को फॉलो करते हुए शुरू से शुरू करेंगे 0 से। तो हमने यहाँ पे बोला कि अगर लेस देन 40 है, लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहाँ पे मैंने सी दे दिया। तो अभी क्या होगा कि इफ को अगर 40 से नीचे लिखा तो सी शो कर देगा, और सेकेंड जो एल्स वाला उसको परफॉर्म ही नहीं करेगा। फिर एल्स में मैंने दूसरा इफ लगाया
बोला कि अगर ए लेस देन इक्वल टू अगर 60 है तो यहाँ पे बी ग्रेड दे दे, नहीं तो फिर तीसरा इफ लगाया और बोला कि लेस देन इक्वल टू अगर 90 है तो यहाँ पे ए ग्रेड दे दे। फिर कंडीशन दिया कि इफ ग्रेटर देन 90 है तो यहाँ पे ए प्लस, और ब्रैकेट वर्क क्लोज करने की झंझट नहीं है, एंटर मारी ऑटोमेटिकली ब्रैकेट क्लोज करने के लिए पूछेगा, यस कर दीजिए आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और रिजल्ट आपके सामने आ गया, राइट सर। लेकिन इस फॉर्मूले को हम इफ्स के मदद से अच्छे से कर सकते हैं, इफ्स। अब चलिए मैं नेस्टेड इफ और इफ्स दोनों के एग्जाम्पलों समझाता हूँ। मुझे मान लीजिए कि मेरे पास सेम है और मुझे इसमें इंसेंटिव निकालना है, तो मेरे पास इफ का है और यहाँ पे आईएफएस है। इंसेंटिव का स्लैब है कि 0 to 40 हुआ, 0 to 40 है तो मुझे 500 शो करना है, 41 to 80 है तो मुझे 1000 शो करना है, 81 to 100 है तो 2000 शो करना है, और ग्रेटर देन 100 है तो यहाँ पे हमें 5000 शो करना है। तो यहाँ हम कंडीशन देंगे फॉर्मूले इफ के साथ कैसे लगाएंगे, कि इफ हमने इसको लिया और बोला कि अगर लेस देन इक्वल टू 40 है तो 500, अगेन इफ लगाया इसको सेलेक्ट किया और बोला कि लेस देन इक्वल टू अगर 80 है तो ये हो जाएगा 1000, अगेन इफ दिए उसको सेलेक्ट किया बोला लेस देन इक्वल टू 100 है तो 2000, फिर अगेन इफ दिए इसको सेलेक्ट किया बोला ग्रेटर देन 100 है तो 5000। ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, प्रिंटर को प्रेस कीजिए, यस कीजिए, ये अपने आप आपको यहाँ पे दिख गया, नीचे ड्रैग कीजिए रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी चीज को हम इफ्स की मदद से कैसे करेंगे, इफ्स हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दिया कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो 500। अब मुझे बार बार इफ लगाने की जरूरत नहीं है, बस मैं लॉजिकल टेस्ट और रिजल्ट देता चला जाऊंगा, सिंपल। तो ये फॉर्मूला इफ्स का फॉर्मूला होता है, ये आपको लेटेस्ट एक्सेल में मिलेगा सर। यहाँ पे 5000 एंटर प्रेस कीजिए नीचे तक आ जाए। अब कुछ और भी फॉर्मूले इसके अंदर आए हैं, जैसे कि स्विच का फॉर्मूला इसमें आपको होगा, एक्स और फॉर्मूला और कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले भी है, चलिए एक बार देख लेते हैं। अब सबसे पहले स्विच का फॉर्मूले के बारे में जानते हैं, स्विच का फॉर्मूला। अब जैसे यहां पे मैं कोड लिख देता हूं और यहां पे मान लीजिए सिटी कर दिया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 3-4 सिटी है, तो अगर कोड 1-1 आए तो सिटी में आना चाहिए दिल्ली, 2-2 आए तो मुंबई। तो ये स्विच फॉर्मूले से होता है कि स्विच हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि अगर ए 1-1 हुआ तो आना चाहिए दिल्ली, फिर अगर 2-2 हुआ तो आना चाहिए मुंबई। फिर अगर ए रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, 3-3 हुआ तो आना चाहिए चेन्नई। अब इसी तरह से आप आगे का दे सकते हैं, एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ देखिए 2-2 दिए, दिल्ली आ गया, 3-3 किया, चेन्नई आ गया। इस तरह की चीजें आप दे सकते हैं किसमें, स्विच फॉर्मूला, ठीक है। अब चलिए कुछ मिसलेनियस फॉर्मूले हैं उसको देखते हैं और आज के खत्म करते हैं आज की टॉपिक को। तो सबसे पहले मिसलेनियस फॉर्मूले में आप यहाँ पे देते हैं इफ एरर का फॉर्मूला। जैसे किसी भी सेल को अगर डिवाइड बाय 0 कर देते हैं या फिर इस तरह का कोई भी एरर आ जाता है, जैसे एनए का एरर आ गया,
वैल्यू का एरर आ गया, किसी भी तरह का अगर एरर आता है तो उस एरर को उस एरर के जगह पे कुछ शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका होता है फॉर्मूला इफ एरर का, इफ एरर। हालांकि वी लुकअप में इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसको सेलेक्ट किए और कॉमा जीरो कर दिए तो जीरो शो होगा। अब इसका यूज कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं और मुझे सम करना है, तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, लीजिए सम कर लीजिए, सम हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई एरर हुआ तो सम का फॉर्मूला एरर रहेगा, तो वहां हम सम के फॉर्मूले के अंदर इफ एरर को यूज करते हैं एरर फॉर्मेट में, इसको कॉमा जीरो। तो जहां जहां नंबर होगा तो नंबर रिटर्न कर देगा, जहां जीरो होगा, जहां पे एरर होगा वहां पे जीरो रिटर्न कर देगा, और देखिए सो हो गया आपका डेटा। तो ये हमारा इफ एरर का फॉर्मूला होता है। दूसरा आता है एक्सओआर फॉर्मूला, जैसे कि मुझे एक्सओआर फॉर्मूला यहां पे लगाता हूं और मैं बोलता हूं कि ए इक्वल टू वाई कॉमा, गलत लग गया, एक्सओआर इसको सेलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई, फिर इसको सेलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई। अब दोनों y होंगे तो फॉल्स आए, एक y तो ट्रू, दोनों y तो फॉल्स, दोनों नहीं तो फॉल्स। ये थी हमारी मिसलेनियस फॉर्मूला। अब ये फाइल आप लोगों को थोड़ी देर में भेज देता हूं, आप लोग इसको देख लीजिएगा और कल की क्लास में हम आगे ये टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फास्ट ट्रैक की बैच यहीं पे समाप्त होती है, सॉरी ये आज की